मोहम्मद दानिश के लिए जोरदार क्लैप्स। आओ दानिश, दो अल्फाज बताओ, कहाँ से है आप? मैं खड़गपुर बंगाल से। बंगाल से है आप, ये बताओ कब से काम कर रहे थे आप? 2003 से। तीन से कर रहे थे। अब 20 दिन का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस चीज़ को नहीं जानते तो जानने को मिला कि मोबाइल के अंदर में बहुत सारे चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं बल्कि इसमें बहुत सारी लाइनें हैं। CPU से बहुत सारी लाइनें निकलती है, पावर से बहुत सारी सप्लाई है। पहले तो एक ही चीज़ जानते थे बस, कुछ भी होगा पावर है, जब नहीं हुआ तो CPU को निकाल दो। यहाँ आने के बाद पता चलने हर एक चीज़ का काम अलग है, हर लाइन की काम अलग है, उसको जानना फिर करना आगे बढ़ना है। एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो सर्किट की नॉलेज चाहिए आपके पास, हैंड स्किल का काम चाहिए। हैंड स्किल में आप यहाँ पे क्या क्या काम कर लिए बताओ? डबल डेकर, ब्लैक पिस्टेड, वाइट पिस्टेड, ये सारे काम किए। बोर्ड दिए यहाँ से हमारे पास है? हाँ, सारा मिला, ऑन बोर्ड मिला था और सबको ऑन भी किया। कहाँ से आप? बंगाल से। खड़गपुर से। कितने साल से कर रहे थे आप? 2003 से, मतलब करीब 10 साल के ऊपर हो गया। 19 साल हो गया। 19 साल के बाद में अभी क्या जरूरत पड़ी आपको, अपडेट होना पड़ रहा है? काम नहीं कर पा रहे थे सर, नहीं कर पा रहे थे। टेक्निक बहुत चेंज हो गया, पहले क्या थोड़ा टेक्निक आसान था, सर्किट चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया, समझ में नहीं आता था, कर नहीं पा रहे थे काम को। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ मिला, बल्कि सागर सर का जो टेक्निक है, ब्लैक पिस्टेड देखने से, वाइट पिस्टेड तो हम खोलते ही नहीं थे, सब खोलते ही नहीं थे। सागर सर जो टेक्निक बताया, जिस तरीके से बताया, बहुत ही आसान लगा। एक एक मतलब पहले दिन में CPU रिवॉल्व हो गया, सारा चीज़ रिवॉल्व भी किए। पहले दिन में डेड सेट ब्लैक पिस्टेड को कटिंग करके निकाले, ऑन भी कर लिए सारा। और आपके स्कीमेटिक पढ़ाने का तरीका, स्कीमेटिक भी समझ में नहीं आता था, जब स्कीमेटिक समझा तो और भी अच्छे से समझ में आने लगा। और तौफीक सर का सॉफ्टवेयर का नॉलेज, इनका भी नॉलेज बहुत अच्छा लगा। बहुत से टूल्स के बारे में मालूम नहीं था, खाली UMT यूज़ कर लिए और SP टूल का खाली फ्लैश कर दिए। लेकिन जब तौफीक सर बताया कि इसमें एक एक चीज़ का यूज़ अलग है, ये जाने बगैर करने से सेट कई बार जो चालू हो सकता है वो हम आगे टेक्नीशियन को बढ़ा देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, अब क्या है, वो चीज़ को नहीं छोड़े, खुद कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, जो भी बोले आप कोई फेक तो नहीं बोल रहे? जो मुझे अच्छा लगा, जो समझा वो बोल रहा हूँ, कोई चीज़ सिखाया भी नहीं, सिखाई भी नहीं है यहाँ किसी को भी, सिखाते नहीं, आपको मर्जी, जो बोलना है बोल सकते हैं, लाइव ले रहा हूँ मैं, गलत बोलना है तो भी गलत बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जाके काम तो कर सकते ना भाई, कोई आना चाहे बंगाल से उसको क्या बोलना चाहेंगे? जरूर आ सकता है, बल्कि इंस्टीट्यूट तो बहुत सारा है, लेकिन आप पहले समझो, इनके फ़ोन फिक्स हैदराबाद वालों का बहुत सारा वीडियो है, आप देखो। मैं उनका वीडियो ही फॉलो करते करते मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ जाना बेस्ट है, यहाँ से मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो मैं आया। चलो, आप इतने 19 साल से काम कर रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस है, बाल भी वाइट हो गया आपसे। एक और सवाल कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो, तो अब बच्चे सोचते हैं कि इंडिया के अंदर इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे, सब लोग अपना अपना ही सही बोलते, अपन ही अच्छे बोलते, तो आप तो काफ़ी जगह पे जाके देखे भी, मिले भी, ठीक है, मैं नाम तो नहीं बोल रहा हूँ कोई भी इंस्टीट्यूट का, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या देखें इंस्टीट्यूट के पास, के खाली टीचर काम कर रहे से देखे नहीं, बड़ा नाम देखे नहीं, नंबर वन बोलने से जाए नहीं, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, मैं जो देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस ये लगा कि जो है अभी इंस्टीट्यूट दो किस्म का हमको नज़र आया। एक है पैसा कमाने वाला, जो पैसा कमाने वाला होता है ना, वो कभी भी सही वे नहीं बताते, एक शॉर्टकट ट्रिक बताया चलते बनो। और एक सिखाने वाला हर एक चीज़ को पूरा बताता, जो पूरा अपने दिल से बताता, जैसे यहाँ फोन फिक्स हैदराबाद में आने के बाद मिला हमको, हर एक चीज़ को सही तरीके से बताया गया, छुपाने की कोशिश तो नहीं करे आपसे, बल्कि 10 बार पूछे। बल्कि ऐसा है कि हमारे खुद, चाहे सागर सर हो, चाहे फिरोज सर, तौफीक सर हो, इनके पास बाद में भी जाके पूछने से इत्मीनान से बताते हैं, बैठ कर समझाते हैं, ऐसा नहीं, इस तरीके से करना है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझाते हैं। बल्कि दोबारा ये भी बोला गया है कि नहीं समझ में आता फिर भी आ सकते हो। हाँ, 3 महीने के बाद कभी भी, 4th महीने, 5th महीने में आ जा सकते हैं कोई भी, क्योंकि ज्यादा गैप देंगे तो भी ज्यादा भूल जाते हैं। एक बार दोबारा आके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, खाली बैठने से कुछ नहीं होता, जितना बहुत सारे बच्चे की कैचिंग कैपेसिटी अच्छी रहती, जल्दी कैच कर लेते। अपन सब लोग ऐसे उंगलियों के जैसे, कोई जल्दी कैच करता, कोई कम करता, कोई कम करता, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है भाई। किसी को भी छोड़ दो भाई, जाके बाजू बॉर्डर पे छोड़ दो, आगे वाले कंट्री को गिरा के आ जाते, इतना जज्बा है सबके अंदर, क्या कर सकते ना काम। तो अब टाइमिंग का फर्क रहता है, कोई 10 साल से कर रहे हैं, कोई 5 साल से कर रहे हैं, कोई अभी आज ही शुरू करे, 10 साल वाले के बराबर आ जाओ, पॉसिबल है क्या? एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा आज ही आया, चल सकता क्या उसके बराबर? नहीं चल सकता। थोड़ा टाइम दे देंगे तो
लाइफ में आगे जाके अपन किससे भी आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लास में देखे, एक फ्रेशर बच्चा कभी माइक्रोस्कोप क्या कभी मोबाइल भी नहीं खोला, उन्हें भी सबसे पहले हमारे भाई साहब है ड्राइवर भाई साहब किधर है भाई, थोड़ा हाथ उठा के बताओ। देखो डबल डेकर बना दिए, ब्लैक पेस्टर्ड बना दिए कि नहीं बने, आपके बीच में बैठ के बनाए ना। कभी मोबाइल का दुकान में गए भी तो काम कराने के लिए गए होंगे, कभी मोबाइल खोले भी नहीं होंगे, लेकिन जो कैचिंग कैपेसिटी रहती इनका माइंड शार्प है, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी चलाने वालों का दिमाग बहुत शार्प रहता। क्या भाई किधर से कौन सा गाड़ी आ रहा, कब ब्रेक मारना है, कब क्लच मारना है मालूम रहता, जल्दी कैच कर लिया ना उन्हें, तो कोई भी आगे जा सकता है। इसमें कंपैरिजन किसी से करना ही नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा लगा बात करके। काम करिए, मेहनत करिए, ऐसे ही जुड़े रहिए फोन फिक्स के साथ, तो आगे बढ़ते रहेंगे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।